हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने विभिन्न योजनाओं को कवर किया है जो जिसका वीडियो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको करंट अफेयर से जुड़ी अपडेट्स जो है मिलते रहती है। चलिए बात करते हैं वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन। देखिए बेसिकली ये क्या है, नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें क्या होगा कि जो वनांचल क्षेत्र में रहने वाले जो जनजाति हैं उनको वन भूमि के उपयोग का अधिकार प्रदान किया जाएगा। ये इसका एक प्रकार से कह सकते हैं ये सिंपल फॉर्म है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे तो इसका प्रारंभ कब हुआ है, तो इसका प्रारंभ आप याद रखेगा अगस्त 2019 से इसका प्रारंभ हुआ है, यानी 2019 से ये योजना चालू है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि पात्र लोगों को वन अधिकार पत्र प्रदान किए जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकार कानून मान्यता 2006 एवं संशोधन 2012 का उचित रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। अधिनियम के अनुसार वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति जो 12 दिसंबर 2005 से, यानी पहला क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, 12 दिसंबर 2005 से पूर्व और अन्य परंपरागत वनवासी जो 3 पीढ़ी या 75 वर्ष से काबिज है। ठीक है, पहला तो क्राइटेरिया हो गया कि 12 दिसंबर 2005 से पूर्व निवास कर रहे हो या जो 3 पीढ़ी हो या फिर 75 वर्ष से निवास कर रहे हो या उनका भूमि पर कब्जा हो तो वह वन भूमि के उपयोग का अधिकार पत्र उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इनके हकदार होंगे। इसका प्रारंभ जैसे मैंने बताया कि अगस्त 2019 से। अब इससे लाभ क्या होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस अधिनियम के माध्यम से वनांचलों में पट्टाधारी किसानों को अल्पकालिक कृषि ऋण, ठीक है, अल्पकालीन कृषि ऋण और किसान न्याय योजना का लाभ मिलने लगा। यानी अब इस वन अधिकार पत्र के माध्यम से वे अल्पकालीन कृषि ऋण भी ले सकते हैं, साथ ही साथ किसान न्याय योजना से जो लाभ मिलते हैं वे उसके भी अब पात्र होंगे। ठीक है, दूसरा, इसमें शासकीय व्यय पर औषधि एवं फलदार वृक्ष लगाने की योजना लाई गई है जिससे वनांचलों में निवासरत किसानों को अतिरिक्त आय का एक स्थायी जरिया मिला है। यानी कि शासकीय व्यय पर ही सरकारी व्यय पर औषधि और फलदार वृक्षों को लगाने की योजना है जिसके तहत क्या हो सकता है, जो अनुसूचित जो जनजातियां हैं वनांचलों क्षेत्र में निवास करने वाली उनको अतिरिक्त आय का एक स्थायी जरिया मिल रहा है। इसकी उपलब्धि की बात करें तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो वन अधिकारियों के क्रियान्वयन है, यानी इस प्रकार के जो वन अधिकार पत्रों के वितरण में छत्तीसगढ़ राज्य अग्रणी राज्य है। ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ इसमें पहले स्थान पर, इस प्रकार से वन अधिकार पत्रों को दिया जाता है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। दूसरा बात करेंगे वन सरकार द्वारा, वर्तमान सरकार द्वारा पहल करते हुए सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को प्रदान किए जाने की शुरुआत की गई है। राज्य में 3615 से अधिक सामुदायिक वन संसाधन अधिकार ग्राम सभाओं को प्रदान किया गया है जिसका रकबा 36,59,347 एकड़ से अधिक है। ठीक है, आपको यहाँ पर मेन क्या याद रखना है वो डाटा मैं बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य में 4,45,000 से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया, यानी ये जो अधिकार पत्र व्यक्तिगत रूप से प्रदान किए गए हैं वह 4,45,000 से अधिक है, पहला डाटा तो याद रखिएगा। और उनका रकबा कितना है तो 9,08,992, ये रकबा एकड़ में आप याद रखिएगा। दूसरा बात करेंगे सामुदायिक वन अधिकार पत्रों की तो 45,700, ठीक है, 45,700 सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का भी वितरण किया गया है और इसका रकबा कितना है तो 49,57,443 एकड़ से अधिक है। ठीक है, ये दोनों डाटा याद रखिएगा और इसके साथ ही दोनों का सम्मिलित डाटा, इस प्रकार व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन, यानी इन दोनों को मिलाकर जो वन अधिकारों में कुल 58,66,435 एकड़ से अधिक वन भूमि के उपयोग का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, यानी ये एकड़ में है, ये याद रखिएगा। तो आप लोगों ने अब देखा कि कैसे इस किस प्रकार से जो वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वह है तेंदुपत्ता एवं वनोपज संग्रहण वर्ष 2020-21 एवं 21-22 का डाटा। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको नए नए करंट अफेयर की जानकारी मिलती रहती है। धन्यवाद।